देखिए ये है दो नौकरानियाँ। दोनों बहनें मर गई थी क्या? अब हमें तुम्हारा डर नहीं रहा, समझी? हम दोनों अकेली इस चार दीवारी में घुटती रहती हैं। सुख के सपनों में खोई हुई लोहे की चार पाई पर लेटी हुई तो बहने नजर आ रही है मुझे। हमारे दर्द को हमेशा के लिए मिटाना है तो हमें ये करना ही होगा। हेलो, सर का फोन था, जेल से छूट गया, पर कैसे? जमानत पर। आपने देखा नहीं मेरी ओर? क्या मैं खूबसूरत नहीं लगती? मेरा ध्यान रख के इस तरह भोलापन दिखा के तू मुझे डरा रही है? अब तो मेरे जैसी हो जा, यानी तू है वैसी। मैडम, हद से बाहर जा रही हैं आप। बहुत शौक है ना तुझे मैडम का मेकअप लगाने का? हाँ, अब मेरे इस नाखून से तेरा ये मेकअप नोच नोच के उतारूंगी। मुझसे जबान लड़ाएगी? मुझसे? अब जो चाहेंगी वो बोलती जाएंगी और मैं सुनती रहूंगी। मेरी खूबसूरती बर्दाश्त कहाँ होती है तुझसे? जब नौकरानी बगावत करती है तब कुछ आड़े नहीं आता। लेकिन सोलांज, इस बार वो बहुत ही सफाई से लपेटे में आ गई है। अपाई जो जैसे बर्ताव क्यों कर रही है मेरे साथ, जैसे मैं मरने वाली हूँ? मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। पुलिस को वो बेनामी खत किसने लिखा होगा? डेनियल के कोई प्रतियोगी ने या मेरे किसी दुश्मन ने? कहानी दो बहनों की। मैं तुझसे नफरत करती हूँ क्लेयर, नफरत करती हूँ मैं तुझसे। तो मैं भी तुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। बड़ी ही हिम्मत जुटा के मैंने वो बेनामी खत लिखा जिससे सर को जेल हुई, और तू मेरे साथ देने की बजाय उल्टा मुझे ही फंसा रही है। पर्दा खुलने में अभी वक्त है। खबरदार, अगर उस खत के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो। ये क्या, ड्रेसिंग टेबल साफ नहीं किया है? मैडम का खून मैं ही करूंगी। तूने अभी जब उसका खून करने की कोशिश की थी तब नींद की गोलियां डाल दे चाय में, जहर पिला के मार दूंगी उस चुड़ैल को। सुन ले, हो पाएगा ना तुझसे? चाय में से कड़वी स्मेल क्यों आ रही है? डेनियल जेल में कैद हो तो मुझसे चाय कैसे पी जाएगी? अगर वो खत उस जानवर के हाथ लग गया तो। इधर आ। अब हम जब वो खेल खेलेंगे तब मुझे तुझसे बच के रहना होगा। नजदीक आ। जैसे काले साये छुरी लेके मेरा खून करने के लिए घूम रहे हैं। यहाँ, वहाँ। थोड़ा और नजदीक। इस कमरे में किसी की आंखें हमें देख रही है। आप चाय पीजिए ना, पीजिए ना मैडम। आप चाय क्यों नहीं पी रही है मैडम? वो चाय पीने ही वाली थी तो तू टपक पड़ी टैक्सी लेकर। ये खेल हमें उसी के लिए तो खेलना है। जंगली जानवर, अनपढ़ साली। मगर अंत पहले से नहीं कहना है। एक नौकरानी हो के तेरी ये हिम्मत कि तू मैडम को उसके प्रेमी से अलग कर दे? मैडम दोनों को पकड़वाने की फिराक में ही थी। जो टेबल पर पड़ी है वो चाय पीऊंगी। क्या, लेकिन वो चाय तो। सोलांज, हम खामखा मरने से डरते रहे, इस चाय का स्वाद तो रोज की चाय जैसा ही है। धीरे धीरे छोटी का दम घुटने लगा। सोलांज, सारे दुखों पर विजय पाके मैं भी बन जाऊंगी महान। Ha ha!